हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी और आज हम लेसन नंबर 8 द ग्लोरी ऑफ भारतवर्ष उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। चलो देखते हैं। उसमें लास्ट में हमने पेज नंबर 43 तक किया था ट्रेडर्स न्यू रूट्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसमें पेंटिंग इन एंशियंट इंडिया, ठीक है, एंशियंट इंडिया है, उसकी पेंटिंग किस तरह की है चलो देखते हैं। वो पिक्चर आर अ स्पेशल मीडियम व्हिच एक्सप्रेस द इमोशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एट द सेम टाइम इन पोर्ट्रेयर्स द एक्चुअली सिचुएशन ऑफ दैट टाइम इन इंडिया। द ओल्डेस्ट पेंटिंग हैव बीन फाउंड इन द नियोलिथिक एरा। मोर देन 500 पेंटिंग्स ऑफ द नियोलिथिक एज ड्रॉन बाय अ प्रिमिटिव मैन हैव बीन फाउंड इन मध्य प्रदेश फ्रॉम द प्लेस कॉल्ड भीमबेटका विच लुक लाइवली इवन टूडे। अब क्या है कि पेंटिंग्स की बात करते हैं, पिक्चर्स की बात करते हैं बच्चों, तो पिक्चर्स ऐसे होते हैं ना जो कोई भी ह्यूमन एक्सप्रेशन होते हैं ना, ठीक है, जो इमोशन होते हैं ना, इमोशंस होते हैं, वो सब कुछ एक्सप्रेस करते हैं, वो भी पिक्चर में ही हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, और इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो हमें कई सारे पिक्चर्स देखने को मिलते हैं, और स्पेशली बात करें तो हमें नियोलिथिक्स जो एरा होता है ना, यानी कि जो जहाँ पे लोग थे वो आदि मानव की तरह रहते थे ना, उस टाइम के भी हमें पिक्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, लगभग करीबन 500 से भी ज़्यादा पिक्चर हमें नियोलिथिक एज के मिले हुए हैं, वो भी मध्य प्रदेश में भीमबेटका नाम की जो गुफा है ना, वहाँ पर हमें आज भी देखने को मिलते हैं। अदर देन दीज पेंटिंग्स ऑफ अजंता एलोरा बाघ केव्स एंड अमरावती एसोसिएटेड विद द इंडियन कल्चर हैव बीन फाउंड इन अ लार्ज नंबर। पेंटिंग्स ऑफ अजंता एलोरा आर वॉल्स फेमस विच डेप्स बुद्धास जातक स्टोरीज एंड बुद्धास साधना। वॉल फेमस पेंटिंग पद्मावानी is the jewel of Indian culture, while Shiva temple of Ellora cave is a great sculpture carved out of a single massive rock. अब paintings की बात करें बच्चों, तो हम paintings में सबसे ज़्यादा देखने में आए, सबसे ज़्यादा जो गुफा है उसमें देखने को मिलती है, और उसमें भी स्पेशली गुफाओं का नाम में हम लेके चले तो अजंता एलोरा की गुफा है, ठीक है, जो बाघ की केव से अमरावती है, तो ये तीन गुफाओं में हमें सबसे ज़्यादा पिक्चर से वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसमें आगे बात करें तो जो अजंता एलोरा है ना, वो तो वर्ल्ड की सबसे फेमस केव से, ठीक है, जहाँ पे हमें आज भी जो बुद्ध है उसकी जो चातक थी उसकी स्टोरीज देखने को मिलती है, साथ साथ जो बोधि लोग थे जो साधना में लीन हो चुके थे ना, उसकी भी हमें स्टोरीज देखने को मिलती हैं। फिर पद्म पानी है जो बेस्ट पेंटिंग इंडिया की है, ठीक है, वो तो अलग ही बात है उसकी कुछ, ठीक है। दूसरी बात करें तो जो शिवा टेम्पल है, ठीक है, जो शिव भगवान का टेम्पल है एलोरा के उसमें बनाया हुआ है ना, वो तो एक ही रॉक को कट करके बनाया हुआ है, और उसमें भी अच्छा खासा पेंटिंग वर्क किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है, तो एंशियंट इंडिया है उसका स्कल्पचर किस तरह का था और आर्किटेक्चर है वो किस तरह का था, चलो देखते हैं। उसमें टाउन प्लानिंग सीन इन हरप्पन सिविलाइजेशन इज वर्ल्ड रिनोवेटेड मॉडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। यूनिफॉर्मिलिटी इन टाउन बाथ्स ग्रेनियर्स इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर एक्सेट्रा आर द स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद हरप्पन सिविलाइजेशन विच आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ एंशियंट इंडिया। दिस आर्किटेक्चर इंक्लूड्स केव आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्चर ऑफ प्लेसेस। केव आर्किटेक्चर इंक्लूडेड हिल्स ऑफ बाबर बराबर नासिक हिल्स अजंता एलोरा एंड अमरावती। अब हम बात करें तो सिविलाइजेशन की बच्चों, तो सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा सिविलाइजेशन, ठीक है, और सबसे बेस्ट सिविलाइजेशन ऐसी ही जिसमें अच्छी तरह से आर्किटेक्चर किया गया हो, ठीक है, अच्छी तरह से टाउन का प्लानिंग किया गया है, वो है इंडिया की जो हरप्पन सिविलाइजेशन है ना वो, ठीक है। उसमें जो भाई टाउन की बात कर ले हम, अगर बात की बात कर ले, ठीक है, यानी कि जो स्नानागृह है वो, ग्रेन्स की बात कर ले जहाँ पे हमारा अनाज है स्टोर होता है वो, या तो इंडस्ट्री यूनिट की बात कर ले, या तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, यानी कि जो बारिश का पानी है वो
उसका यूज करने की बात है। तो इन सब में एक ही यूनिफॉर्मिलिटी देखने को मिलती है, वो है हरप्पन सिविलाइजेशन में। ठीक है, हर चीज का नाप एक ही समान उन लोगों ने रखा हुआ था। आगे बात करें बच्चों, तो उस टाइम का जो भी इंजीनियरिंग वर्क था ना इंडिया का, वो सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उस टाइम के जो भी आप केव्स का आर्किटेक्चर्स ले लीजिए, या तो कोई टेम्पल का आर्किटेक्चर्स ले लीजिए, या तो कोई प्लेस का जो आर्किटेक्चर वो ले लीजिए, सब में कुछ ना कुछ हमें विविधताएं देखने को मिलती है। ठीक है, और केव्स आर्किटेक्चर्स की हम बात करते हैं तो जो बाराबार हिल्स है, ठीक है, जो नासिक के पास में आई हुई है वो हिल्स है, अजंता एलोरा की जो हिल्स है, जो केव्स है, ठीक है, और अमरावती की जो केव्स है उसका भी तो हमें जो स्कल्पचर है वो बेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, हमने तो अभी पेंटिंग्स की भी बात कर ली थी अजंता एलोरा की। नेक्स्ट देखते हैं, इन स्कल्पचर आर्ट ऑफ अ मेकिंग आइडल वॉज फुली डेवलप इन इंडिया। टू आर्ट स्टाइल ऑफ आइडल आर्ट वेर प्रिविलेंट इन एंशियंट इंडिया। नंबर वन, गांधार आर्ट विच वॉज अ कन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल। अ नंबर ऑफ आर्टी फैक्ट हैव बीन फाउंड इन तक्षशिला एंड गांधार इन अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। बुद्धास स्टेच्यू वेर मेड इन लार्ज नंबर। लार्ज स्टेच्यू ऑफ अ बुद्धा हैव बीन फाउंड इन बमियन एंड चार सोडा इन दिस स्टाइल। नंबर टू, अदर स्टाइल इज कंप्लीटली इंडियन विच इज नो एज अ मथुरा आर्ट। इन इट ऑल्सो फर्स्टली बुद्धा स्टेच्यू वेर मेड, आफ्टर दैट आइडल ऑफ अ हिंदू डेचीज वेर ऑल्सो मेड इन दिस स्टाइल। स्पेसिमेंस ऑफ अ स्कल्पचर हैव ऑल्सो बीन फाउंड फ्रॉम अमरावती, अजंता, नासिक एंड सारनाथ। अब हम जो आइडल्स की बात करते हैं, यानी कि जो प्रतिमा होती है ना, जो मूर्ति होती है उसकी बात करें बच्चों, तो भारत में ना दो टाइप्स की शैली से मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक है, उसमें पहली है गांधार आर्ट और दूसरा है अदर आर्ट। ठीक है, गांधार आर्ट की बात करें तो जो ग्रीक स्टाइल है और जो इंडियन स्टाइल है ना, उसको हम अगर मिक्स करते और जो भी हमारी नई आर्ट बनेगी, जो भी हमारी नई शैली बनेगी, वो है हमारी गांधार आर्ट। गांधार आर्ट के जो स्टेच्यू है, जो आइडल्स है, वो हमें जनरली तक्षशिला और अफगानिस्तान का जो गांधार प्रदेश है ना, वो वहीं से हमें मिलती है। उसमें भी हमें बुद्ध भगवान है, ठीक है, बुद्ध के बड़े बड़े स्टेच्यूज मिलते हैं। साथ साथ बात करें तो हमें बुद्ध के बड़े स्टेच्यू जनरली जो बामियान है और चार सोटा है ना, उसी स्टाइल में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहीं पे हमें मिल जाते हैं बुद्ध, जो बुद्ध है गौतम बुद्ध, उसके स्टेच्यू। अब हम दूसरी स्टाइल की बात करें, जो कम्प्लीटली प्योर इंडियन स्टाइल है, जिसका नाम है मथुरा आर्ट। ठीक है, तो मथुरा आर्ट में भी सबसे पहले हमने बुद्ध है, ठीक है, उसी का स्टेच्यू बनाया था, और फिर जो हिंदू देवी देवता है ना, उसका स्टेच्यू बनाने की धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी थी। और हम स्पेशली बात करें तो हमें ऐसे स्कल्पचर है वो जो अमरावती केव से, ठीक है, अजंता केव से, नासिक और जो सारनाथ केव से ना, वो हमें वहीं से भी मिल सकते हैं। ठीक है, और मिल जाते हैं। आगे देखते हैं, स्तूपास एंड विहारास। ठीक है, तो स्तूपास और विहारास क्या है, चलो देखते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिज्म इंक्लूडिंग स्तूपा, चैत्यास एंड विहारास। आफ्टर द निर्वाण ऑफ गौतम बुद्ध, द मोनुमेंटल कंस्ट्रक्टेड ऑफ हिज लाइफ बिगिन इन द फॉर्म ऑफ स्तूपास। These stupa were made for the first time during the Vajra Union. The stupa is a small dome shape oval architecture in the middle of the which the relics of Buddha were buried and the Buddhist practice mentioned there. Later on, the stupa were constructed in India in a large number, among which Ashoka's Sachi Stupa, Stupa of Lumbini and Stupa of Sarnath are very important. The emperor after Ashoka also maintained the tradition of stupa construction. The king of Shang dynasty started the construction of a wooden work around stupa. Kaniska got a huge stupa constructed in Purushpur, Peshwara, which is called शाहजी की देरी। देर इज अ प्रदक्षिणा पथ अराउंड द स्तूपा। चैत्य ऑल्सो आर द मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट, लाइक अ केव्स चैत्या वेर कार्व्ड इन माउंटेन्स। इन केव्स ऑफ चैत्यास कॉलम्स डोर ह्यूज प्रेयर हॉल एक्सेट्रा। अब हम बात करें
जो बुद्धिज्म रिलीजियस है, ठीक है, उसकी बात करें बच्चों, तो उसमें स्तूपा आता है, चैत्यस आता है और बियारास आता है। तो स्तूपा क्या होता है? तो स्तूपा होता है ना, वो एक टेम्पल की तरह होता है, ठीक है। और चैत्यस क्या होता है? चैत्यस ऐसा होता है जिसको हम प्रेयर हॉल भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रेयर टाइप का होता है। और विहारास, जहाँ पे जो बौद्ध के साधु होते हैं ना, जो साधु होते हैं ना, वो वहाँ पे आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। तो पहले हम स्तूपा की बात कर लें, तो बौद्ध भगवान ने अपनी पूरी लाइफ है ना, जिस तरह से पास की थी ना, और जो उसकी अस्थियाँ बची हुई थी ना, उसी अस्थियों को एक संदूक में रखा जाता है और उसको ओवल शेप में बीचों बीच क्रिएट करके क्या करा रख दिया जाता है, और उसके आसपास एक प्रदक्षिणा पथ होता है ना, वो क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि आगे एक एंट्रेंस डोर भी फिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से स्तूपा है उसका कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें, यानी कि अगर हम ओवल शेप की बात कर ले, जो संदूक है, ठीक है, वो बात कर ले, या तो कोई गेट कीपर की जो गेट होता है उसकी बात कर ले, और या तो जो प्रदक्षिणा पथ है उसकी बात कर ले बच्चों, तो उन सब में कई सारे आर्किटेक्चर से ना उसने काम किया था, और अच्छे अच्छे जो आर्ट है ना, डिज़ाइन है, वो क्रिएट कर ली हुई हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो जो चैत्य है ना, वो भी जो बुद्धिस्ट आर्ट है ना, उसका एक मेन सेंटर है। और वो कहाँ होता है? तो चैत्य होता है, वो जनरली केव्स होती है ना, उसमें अंदर माउंटेन के अंदर होती है, क्योंकि चैत्य है वो एक कॉलम्स में होता है, या तो डोर्स में होता है, या तो एक ह्यूज प्रेयर हॉल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, where carved and were given the shape of a temple, they were used as a place of a prayer. The columns were finally carved. Chaityas of Amravati, Bhaj and Karla have become the world famous. The caves were made by carving mountains for Buddhist and Jain monks, which were called viharas. Jain and Buddhist monks studied in these viharas. Yuan Sheng noted that there were hundreds of viharas in North India and Gujarat. Statues and monuments are associated with the Jain architecture also. Jain statue of Gomteshwar in Sharwana, Balgoda is world famous. A number of caves have been made in for living of Jain monks and Buddhist bhikshuk. Many such type of caves are located in Gujarat. Get information about them from your teacher. अब देखते हैं आगे। तो ये जो prayers hall है वो बनाते थे ना, वो सिर्फ अपनी prayers के लिए ही बनाते थे, ठीक है। और साथ साथ बात करें तो वो क्या करते थे, उसका use ना prayer के लिए करते थे और study के लिए भी करते थे। और ऐसे जो चेतिया से वो हमें जो अमरावती है, ठीक है, भज है और कारला है ना, वहाँ पे मिलते हैं, जो कि वो वर्ल्ड के फेमस चेतिया से, ठीक है। आगे बात करें तो जो केव्स होती है ना, उसको कार्व करके क्या बनाया जाता था, उसको कार्व करके, ठीक है, उसमें डिज़ाइन करके जो बुद्धिस्ट है और जो जैन मॉन्ग्स है ना, जो उसके साधु है ना, उसके लिए विहारास बनवाया जाता था, ठीक है, आराम करने का प्लेस कह सकते हैं उसको। जैन एंड बुद्धिस्ट जो मॉन्ग्स होते थे वो विहारामस बैठ के ही स्टडी करते थे। और जो यूएन संघ आया था, ठीक है, चाइनीज ट्रैवलर जो इंडिया में आया था, उसने कहा था कि नॉर्थ इंडिया और गुजरात में, ठीक है, वहाँ पे हमें कई सारे ना ऐसे विहारास देखने को मिलते हैं, ठीक है, 100 से भी ज़्यादा वहाँ पे विहारास हमें देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं तो जैन स्ट्रक्चर्स है ना, वो भी जो गोमतेश्वरी में सहारन बैलगोड़ा आया हुआ है ना, वो तो वर्ल्ड का फेमस ऐसा आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है। और गुजरात में कई सारी गुफाएं भी देखने को मिलती है, ठीक है, और कई सारी ऐसे जो बौद्ध भिक्षुक और जो मॉन्क्स ने बनाई हुई ऐसे विहार्स होते हैं, जो चैत्यस होते हैं ना, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, हेरिटेज इन एजुकेशन, तो हमें एजुकेशन में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वो क्या देखने को मिलते हैं, चलो देखते हैं। इंडिया में लुकिंग एट द एक्सटेंशन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन एंड देयर डेवलप्ड टाउन प्लानिंग, इट कैन बी सेड दैट higher education and technically education have been imparted in Indian since 4000 year. Remain of an education institute has been found from Mohenjo-daro. The civilization is also called bronze have also developed at this time. Fort, house, bath, road show development of a civil engineering. The development of textile and shipping showed that the mechanical engineering style had been
ह्यूलरिंग इन इंडिया सीन्स द टाइम ऑफ हरप्पन कल्चर। अब हम एजुकेशन की बात करें बच्चों, तो हरप्पन सिविलाइजेशन को देख के हमें यही पता चलता है कि उस टाइम का जो टाउन प्लानिंग था वो बहुत ही बेस्ट था, ठीक है। तो हमें यह भी पता चलता है कि अगर टाउन प्लानिंग इस तरह से है तो उसका एजुकेशन वो भी किस तरह से आगे बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। अगर उस टाइम पे जिस तरह से सिर्फ थियोरिकली नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकली नॉलेज भी वहाँ पे दिया जाता था, ऐसे ही बात कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी नॉलेज की ये सिस्टम की शुरुआत हुई थी वो तो लाखों साल पहले ही इंडिया में हो चुकी थी, और उसका हमें बेस्ट एग्जांपल तो हमें मोहनजोदड़ो है वो सिटी में भी मिल जाता है, ठीक है। और उस टाइम पे तो जो ब्रॉन्ज होता है यानी कि जो काश्य होता है ना वो भी डेवलप हो चुका था, ठीक है। तो हमें वहाँ से जो केमिकली साइंस है उसके बारे में भी पता चलता है, ठीक है, कि वो दोनों जो मटेरियल है, ठीक है, दोनों जो मेटल है उसको मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जाता था, तो हमें ये भी पता चलता है। आगे बात करें तो वहाँ पे हमें जो बड़े बड़े बाथ मिले हुए, बड़े बड़े किले मिले हुए, बड़े बड़े रोड मिले हुए हैं ना, वो भी हमें उस टाइम के जो सिविल इंजीनियरिंग है ना उसका नॉलेज देते हैं। साथ साथ बात करें तो वहाँ पे हमें जो डिज़ाइन है, ठीक है, टेक्सटाइल की डिज़ाइन है वो भी देखने को मिलती है, और बड़े बड़े जो सीप है वो भी बनाए जाते हैं। तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि उसका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो भी कितना हाई डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंशियंट इंडिया में जो हड़प्पन कल्चर है ना उसमें नॉलेज अच्छा खासा देखा होगा, ठीक है, उसमें एजुकेशन का लेवल भी बहुत ही हाई लेवल पे होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रिमेन्स ऑफ फाइव विद्यापीठ्स इंपोर्टेंट एजुकेशन व्हिच कैन बी कॉल्ड यूनिवर्सिटी प्रेजेंट हैव बीन फाउंड। तक्षशिला नियर द गांधार रीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वॉज अ ग्रेट एजुकेशन पिलग्रिम्स एज, इट टॉट एथिक्स, संस्कृत, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, हिंदुइज्म एंड फिलोसॉफी। ग्रेट फिलोसोफर एन रूरल लाइक पाणिनी, चाणक्य, चंद्रगुप्ता, चिवक हैड बिकम रिनोवेटेड फ्रॉम दिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब हम एजुकेशन विद्यापीठ की बात करें, ठीक है, विद्यापीठ मतलब कि यूनिवर्सिटी। तो पूरी दुनिया में जब स्कूल भी किसी ने सोचा नहीं होगा, ठीक है, कि स्कूल क्या है, तब हमारे देश में ना यूनिवर्सिटी चल रही थी। और ऐसी यूनिवर्सिटी की बात करें तो तक्षशिला में जो वर्ल्ड की फेमस यूनिवर्सिटी है जो गांधार रीजन में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आई हुई है, वहाँ पे तो कई सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते थे और बहुत ही पुरानी वो यूनिवर्सिटी थी। साथ साथ बात करें तो वहाँ पे एथिक्स पढ़ाया जाता था, ठीक है, संस्कृत, ग्रामर है, एस्ट्रोनॉमी है और एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाई जाती थी, हिंदुइज्म है और फिलोसॉफी भी वहाँ पे पढ़ाई जाती थी। और वहाँ के जो ग्रेट फिलोसोफर कह सकते हैं या तो रूरल कह सकते हैं, यानी कि अच्छे जो उसकी स्टूडेंट थे उस यूनिवर्सिटी की, तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है उसके जो अच्छे स्टूडेंट की बात करें तो वहाँ पे पाणिनी है, जो चाणक्य है, ठीक है, इसके बारे में हमने यूनिट में भी पढ़ा था, जिसको हम कौटिल्य कहते हैं, चंद्रगुप्ता है जिसने मौर्य डायनेस्टी को एस्टेब्लिशमेंट किया, जीवक है, ठीक है, वहाँ से ही वो पढ़े हुए है। ओके, आगे देखते हैं, वन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन बिहार वो ओस्नो एज ए नालंदा यूनिवर्सिटी विद्यापीठ। यू एन संघ हैड ऑल्सो विजिटेड इट, हियर ऑल्सो हिंदू एंड बुद्धा फिलोसॉफीज वेर टॉट। नागार्जुन ऑफ नालंदा विद्यापीठ वॉज अ ग्रेट केमिस्ट, ही स्टार्टेड यूजिंग एस ऑफ अ मर्क्यूरी एज अ मेडिसिन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब हम बिहार की बात करें बच्चों, तो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी यानी कि विद्यापीठ आई हुई है, ठीक है, तो यूएन संघ है वो वहाँ पर भी मुलाकात के लिए गए हुए थे और वो कहते हैं कि वहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी में हिंदू और बुद्ध दोनों की जो फिलोसॉफी है ना वो पढ़ाई जाती थी। और उसके जो नागार्जुन करके एक टीचर थे, ठीक है, उसने तो क्या कर दिया था, उसने तो जो मर्क्यूरी होते हैं ना उसकी आशीष को मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था, और ऐसे वो फर्स्ट केमिस्ट थे, ठीक है, और वो भी ग्रेट केमिस्ट कहा जाता है उसको। नेक्स्ट देखते हैं, There are evidence that there was a great Vidyapeeth in Valbi of Gujarat in the 6th, 7th century. Yuan Sang has written a lot regarding this university also. Many students used to came here to study. अब क्या था, सातवीं और छठी और सातवीं शताब्दी की बात करें बच्चों हम, तो गुजरात में भी वल्बी विद्यापीठ करके यूनिवर्सिटी करके एक विद्यापीठ चल रही थी, तो यूएन संघ ने उसके बारे में भी बड़ा अच्छा खासा लिखा हुआ है। तो वहाँ से वहाँ पे पढ़ने के लिए बड़े दूर दूर से बच्चे आते थे, स्टूडेंट्स हैड टू गिव एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को अगर पढ़ना है ना तो उसको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती थी, ठीक है, तो जिस तरह से आज के नियम है ना वो नियम तो पहले से ही चले आ रहे हैं, ठीक है,
द प्रिंसिपल वुड टेक अ राइट रिटन एग्जामिनेशन एंड अ लेटर दे यूज टू सेंड स्टूडेंट फॉर इंटरव्यू. ठीक है, अब क्या था, तो जो प्रिंसिपल होते थे ना वो रिटन एग्जाम लेते थे बच्चों के, जितने भी स्टूडेंट को पढ़ने का यहाँ पे है उसको रिटन एग्जाम लेते थे, साथ साथ जब भी रिटन एग्जाम में पास होते थे ना तो उसके उसको क्या करते थे, वो बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाते थे. सच अ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वॉज प्रिविलेंट इन इंडिया एट दैट टाइम. ठीक है, तो उस टाइम पे जो एजुकेशन की जो सिस्टम थी ना वो बहुत ही मॉडर्न थी, आधुनिक थी. ठीक है, द नॉलेज ऑफ ऑल थ्री रिलीजियंस लाइक हिंदू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वॉज इम्पोर्टेड अलॉन्ग विद द मेडिटेशन एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी. तो तीनों जो धर्म है उसका वहाँ पे संपूर्ण ज्ञान था. ठीक है, हिंदुइज्म की बात करें या तो बुद्धिज्म की या तो जैनिज्म, ये तीनों ही रिलीजन वहाँ पे अच्छे खासे पढ़ाए जाते थे और वहाँ पे ध्यान है, एस्ट्रोलॉजी है और एस्ट्रोनॉमी है वो भी पढ़ाई जाती थी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. इन अ बंगाल टू विद्यापीठ यूनिवर्सिटी एग्जिटेड नेमली विक्रमशिला एंड अनंतपुरी वेर अ लार्ज थ्री स्टोरीड लाइब्रेरी ऑफ अ बुद्धिज्म वॉज बिल्ट. अब क्या था कि विद्यापीठ की बात करें तो जो बंगाल में दो विद्यापीठ आई हुई थी, ठीक है, जिसका नाम है विक्रमशिला और आनंदपुरी. ठीक है, तो उसमें भी क्या था, उसमें भी जो ये था कि वहाँ पर भी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बनाई थी. ठीक है, दो से तीन माले तक की बड़ी लाइब्रेरी बनाई हुई थी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. कॉइन्स यानी कि जो मुद्राएं आती है ना, जो सिक्के आते हैं उसकी बात करें तो कॉइन्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडियंस इन द पास्ट. द ओल्डेस्ट कॉइन इन द इंडिया आर नो एज पंचमार्क कॉइन्स ऑफ द फिफ्थ सेंचुरी. ठीक है, अब बात करें कॉइन्स की तो बच्चों इंडिया में भी कई सारे कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं और सबसे पुराने कॉइन्स पंचमार्क के कॉइन्स है. ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था हिस्ट्री का, जब चैप्टर वन और टू पढ़ रहे थे तभी हमने देखा था पंचमार्क के कॉइन्स. ठीक है, जो आज से 2000 से 2500 से पहले भी बने हुए थे. ठीक है, ऐसे कॉइन्स थे वो. नेक्स्ट देखते हैं. आफ्टरवर्ड इंडो ग्रीक रूरल्स introduce a special kind of a gold coin on which the king's mark, his photo and his time was mentioned. और क्या था, उसके बाद तो धीरे धीरे जो ग्रीक के किंग है वो रूल करना शुरू हो गए ना, तो उसने जो गोल्ड के कॉइन्स होते वो इंट्रोड्यूस किए, उसमें उसने फोटो भी डाल दिए थे, जो राजा की जो पिक्चर होती थी वो भी डाल दी थी और उसमें डेट और टाइम भी मैंशन किया हुआ था. फ्रॉम दिस we learn about the history of that time. The coins of Gupta age are the best. Samudragupta's coin with his picture of a playing veena and killing a lion, coins of Chandragupta with a picture of king and queen and garuda, Chandragupta II, Vikramaditya coins and shni vikramasya and garuda flag coin have been found in a large number. There, these coins are mostly of a gold, which give information about the Indians' immense prosperity of that time. The constituency development of India has been taking place for centuries. Almost all the branches of our knowledge are flourishing and developing in our country. India's great culture heritage is unique throughout the world. अब हम कॉइन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो हमने गुप्ता एज में भी कई सारे कॉइन्स के बारे में डिस्कस किया था बच्चों. ठीक है, तो जो समुद्र गुप्ता है उसने भी अपने टाइम में कॉइन बार पढ़वाए थे. ठीक है, वो वीणा बजाते हुए और एक लायन का शिकार करते हुए भी दिखाया गया था. अब बात करें चंद्रगुप्ता की, तो उसने भी अपने जो किंग है और क्वीन है उसके बारे में भी सिक्के छपवाए थे. और जो गरुड़ा है, ठीक है, उसका जो राज चिन्ह है उसके बारे में भी उसने क्या कहा था, सिक्के बाहर पढ़वाए हुए थे. अब देखते हैं चंद्रगुप्ता टू, जिसको हम विक्रमादित्य कहते हैं, जब उसने विक्रम संवत को बाहर पढ़वाया था. ठीक है, तो उसने विक्रम संवत से और गरुड़ा जो फ्लैग है उसके चीन के भी सिक्के हैं वो बाहर पढ़वाए हुए थे. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया में कल्चर का हर तरह से हर चीज में डेवलपमेंट अच्छा खासा रहा है. ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 8 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है. तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज में हमें क्या देखने को मिलता है वो. The art of a direct
डायरेक्शन इंक्लूडेड डांस एंड रोल प्ले, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर आएगा डांस एंड रोल प्ले। अब देखते हैं, तो जो साउथ में फेमस लिटरेचर है, स्पेशल लिटरेचर है, उसको हम कहते थे संगम साहित्य, ठीक है। तो अब बात करें तो ग्रीक एम्बेसडर है जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था, वो था मेगस्थनीस। मध्य प्रदेश में हमें भीमबेटका की जो गुफा है वो वहीं पे हमें मिलते हैं, जो बिफोर 5th century से कॉइन है, उसको हम पंचमार्क के कॉइन कहते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, ठीक है। तो हमें वैदिक जो लिटरेचर है उसके बारे में शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन देनी है, तो ये हमने पार्ट वन में कंप्लीट कर लिया। तो आप एक बार फिर से, अगर आपको समझ में ना आया वैदिक एज के लिटरेचर, ठीक है, तो पार्ट वन अच्छी तरह से देख लेना। नंबर टू देखते हैं, विच फॉरेन ट्रैवलर टूरिस्ट केम टू एंशियंट इंडिया, ठीक है। तो एंशियंट इंडिया में कौन से ट्रैवलर आए थे, तो यूएन संग, ये फाइयान है, ठीक है, ये सब लोग आए हुए थे। तो हमने देखा था जो ट्रैवलर है उसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्तुप्ता एंड चैत्या, ठीक है। तो हमें स्तुप्ता और चैत्या का मीनिंग बताना है। स्तुप्ता है उसमें जो भगवान बुद्ध है उसकी ऐसी से रखी गई है, उसको ओवल शेप में रखा गया है, जबकि चैत्या है वो तो जो गुफाएं होती है ना उसमें बनाई जाती है, और चैत्या से वो एक प्रेयर हॉल की तरह यूज किया जाता है। तो ये उसका मेन डिफरेंस है। नंबर फोर देखते हैं, विच सब्जेक्ट वे टॉट इन तक्षशिला, तो तक्षशिला है उसमें कौन से सब्जेक्ट है वो पढ़ाए जाते थे। तो तक्षशिला की बात करें बच्चों, तो हाँ तक्षशिला में जनरली एथिक्स है, संस्कृत है, ग्रामर है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी वो पढ़ाई जाती थी, साथ साथ हिंदुइज्म और फिलोसॉफी भी पढ़ाई जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रॉयल कॉइन्स ऑफ विच गुप्ता किंग्स हैव बीन फाउंड, ठीक है। तो जो रॉयल जो कॉइन्स है, ठीक है, यानी कि जो राजाशाही कॉइन है, हमें कौन से राजवी के मिलते हैं, कौन से राजा के मिलते हैं, तो जो गुप्ता एज की बात करें तो उसमें हमें समुद्रगुप्ता के मिलते हैं, चंद्रगुप्ता के मिलते हैं, विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्ता टू के बारे में भी हमें इतने तीन जो राजा है उसके कॉइन्स देखने को मिलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं बच्चों, ट्रू और फॉल्स देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया कि उपनिषद इंक्लूड मांडुक्य मास्त्य एंड मांडुका उपनिषद, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है वो गलत है, क्योंकि उपनिषद में जो मत्स्य है ना वो ऐड नहीं होता, वहां पे आता है पुराण, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया गलत। नंबर टू देखते हैं, जो ग्रीक नाविक है टॉलमी, उसने इंडिका लिखी थी, तो ग्रीक नाविक टॉलमी ने इंडिका नहीं लिखी थी, वो लिखी थी मेगस्थनीस ने, ठीक है, जो ग्रीक का जो एम्बेसडर आया हुआ था इंडिया में। अब देखते हैं नेक्स्ट, इलोरा की जो कैव्स है ना उसमें बुद्ध की जातक कथा है, वो वर्ल्ड की फेमस है, तो वो सही बात है क्योंकि उसी में वो जातक कथाएं बनी गई थी। अब देखते हैं, तो जो गांधार शैली है ना वो ग्रीक और इंडिया की कॉम्बिनेशन शैली है, ठीक है। तो गांधार शैली में क्या सचमुच में ऐसा मिक्स होता है ना, तो वो सही बात है, ठीक है, ग्रीक और इंडिया का जो स्कल्पचर है वो मिला गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जो एंशियंट इंडिया है ना उसमें गांधार प्रदेश में नालंदा विद्यापीठ आई हुई है, तो गांधार प्रदेश में नालंदा विद्यापीठ नहीं आई है, ठीक है, वो बिहार में आई हुई थी, हमने ये देखा था। आगे देखते हैं, शॉर्ट नोट के बारे में लिखना है, तो हमें लिखना है जो धर्मेतर साहित्य है, ठीक है, उसके बारे में लिखना है, यानी कि जो हमने पुराण के बारे में पढ़ा था, जो उपनिषद है उसके बारे में पढ़ा था, वही उसके बारे में लिखना है। नंबर टू देखते हैं, एंशियंट इंडिया के जो स्कल्पचर है उसके बारे में लिखना है, तो स्कल्पचर भी हमने देखे हुए थे ये सारे टॉपिक्स। एग्रीकल्चर इन एंशियंट इंडिया, तो हमने टूल्स और जो इरिगेशन है उसके बारे में भी पेज फर्स्ट पेज में पढ़ा था यूनिट के, ठीक है, तो वो लिखना है हमें। और लास्ट में फोर्थ में देखते हैं, तो विलेज एंड टाउन लाइफ, तो विलेज लाइफ और टाउन लाइफ कैसी थी, ठीक है, ये भी हमने फर्स्ट सेकंड पेज के शुरुआत में ही देखा हुआ था। तो इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।